भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। यो बहनों, आप सबको पता होगा दिल्ली में धरना चल रहा है और इसी बीच हमारे पास मध्य प्रदेश से आंगनबाड़ी बहन हैं और यूनियन के लीडर भी हैं, उन्होंने मैसेज किया है। इनके मैसेज को आप सबको बताना चाहेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहन ने लिखा है कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, मध्य प्रदेश की ओर से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें आपके साथ हैं, आपका समर्थन कर रही हैं, आप लड़ते रहिए, जरूरत पड़ेगी तो हम सब मिलकर के दिल्ली आएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम बहन ने यह एक मैसेज मुझको भेजा है। बहन ने नीचे लिखा भी है, हो सके तो आप हमें अपना नंबर दीजिए जिससे हम कांटेक्ट कर सके। पूरे राष्ट्र के सभी राज्य अगर एक साथ बैठ जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो बहन का यह प्रयास तो अच्छा है, लेकिन हर कोई जानता है कि सभी राज्यों के यूनियन इकट्ठा एक साथ धरने पर बैठते ही नहीं है। यहां दुर्भाग्य की बात यह है कि जब एक ही राज्य में धरना होता है तो उनके ही राज्य के सभी यूनियन इकट्ठा एक साथ मैदान में उतरते ही नहीं है, और यही एक कारण है कि उसका धरने का जो असर है वो ढंग का सरकार पर नहीं पड़ता। खैर, दिल्ली में दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन का जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर चल रहा है। उनकी जो नीतियां हैं, जिस तरीके से बहनें संघर्ष कर रही हैं, एक न एक दिन उनको तो जीत मिलना तय है। फिलहाल के लिए रामेश्वरी मेश्राम बहन ने सपोर्ट किया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ऑल इंडिया इसका स्वागत करता है, बाकी दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन पर डिपेंड करता है। और वैसे भी कुछ चीजें जो है वो पहले दिखाई जा चुकी है सुधांशु पटेल चैनल पर, जो एक वो जो बहन है शिवानी बहन, जो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की लीडर है, उनका नंबर पूर्व में दिया गया था, उन्होंने ही एक वीडियो में अपना जारी किया था। खैर, यहां पे आप सब क्या चाहते हैं इस मुद्दे पर कमेंट करके बता सकते हो। और बहन ने मुझे ऑडियो भी अपना ये 30 सेकंड का एक और एक ये 36 सेकंड का भेजा है, तो मुझे भी काफी खुशी हुई। और अगर ऐसा हो जाए सभी राज्यों के यूनियन एक साथ मैदान में अगर उतर आए तो यहां पर तस्वीर कुछ अलग जो है देखने को मिलेगी। और यहां पर आप सब क्या सोचते हो, आपकी क्या राय होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर लिख देना। इधर बात करते हैं अगले राज्य की खबर पर, अगर बात करें तो बिहार सरकार से 25 फरवरी को अभी एक सरकारी आदेश, यहां पर सेविका सहायिका स्थापना ICDS से नोडल पदाधिकारी ने जारी करके सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को बिहार में भेज दिया है। और इस लेटर के मुताबिक यहां पर जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने हैं बिहार राज्य की, उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन और उनके संबंधित जो प्रतिवेदन है वो भेजने के संबंध में आदेश दिया गया है। इसकी बात करते हैं यहां पर इस लेटर की, तो इसमें बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं उनके सत्यापन से संबंधित अद्यतन जो प्रतिवेदन है वो 28 फरवरी तक विहित प्रपत्र में ईमेल आईडी दी गई है, इस पर निदेशालय को उपलब्ध कराएं, ऐसा DPO लोगों को बिहार में बोला गया है। तो आज 27 फरवरी हो गई है, कल 28 फरवरी और कल तक ये चीजें वहां पर बिहार में जो है भर के देनी है। इधर आपको कालमों को हम एक बार बताना चाहेंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फर्स्ट की तरफ से ये कालम दिए गए हैं और नीचे है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड सेकंड से और फिर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से। तो अगर हम बात करें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फर्स्ट से, तो इसमें क्रम संख्या, जिला का नाम, परियोजना का नाम, कार्य सेविकाओं की संख्या, स्थापना के लिए भेजे गए प्रमाण पत्रों की संख्या और सत्यापित प्रमाण पत्रों की संख्या, सत्यापन के लिए लंबित प्रमाण पत्रों की संख्या और सत्यापन के उपरांत फर्जी पाए गए प्रमाण पत्रों की संख्या और फर्जी प्रमाण पत्रों पर की गई कार्रवाई भी जो यहां पर देनी है। ऐसे ही बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड सेकंड की तरफ से भी दिया है, वहीं पर सेम टू सेम वैसे ही कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जिला का नाम, परियोजना का नाम, कार्य सेविकाओं की संख्या, सत्यापन के लिए भेजे गए प्रमाण पत्रों की संख्या, सत्यापित प्रमाण पत्रों की संख्या, सत्यापन के लिए लंबित प्रमाण पत्रों की संख्या और सत्यापन के उपरांत फर्जी पाए गए प्रमाण पत्रों की संख्या और फर्जी प्रमाण पत्रों में की गई कार्रवाई के बारे में यहां पर दिया गया है। ऐसे ही मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए जो तीसरा प्रारूप है और इसमें जो कालम है जिला, परियोजना, कार्य सेविकों की संख्या, सत्यापन के लिए भेजे गए प्रमाण पत्रों और सत्यापन प्रमाण पत्रों की संख्या, यानी सेम टू सेम वही कालम बने हुए हैं, लेकिन सबकी जो है
है सूचना अलग अलग मांगी जा रही है। अब बात करते हैं, आपको बता दें इस वाली जानकारी को सलमा भी बहन जो साजापुर से आती हैं उन्होंने भेजा था, तो बहन को धन्यवाद कि उन्होंने बिहार से जानकारी को हम तक पहुंचाया है। और इनके अलावा अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से एक जानकारी आ रही है, सुनीता देवी बहन आती है बरेली से और उन्होंने अपने यहां से एक ये लेटर भेजा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी है बरेली के, 25 फरवरी को उन्होंने जो है यह लेटर जारी किया है अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को बरेली में भेजा है और जो भी प्रभारी सीडीपीओ है उनको भी। तो यहां पर आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो बहने हैं उनको डाटा प्लान की धनराशि निर्गत करने के संबंध में है। तो भाइयों बहनों, आप सब जो उत्तर प्रदेश से हैं, आप सबको सूचित कर रहा हूं कि बरेली में अभी 25 फरवरी को लेटर आया, लेटर है आपके मोबाइल में जो डाटा प्लान है जिसके लिए पैसों का जिक्र है उस पर जो है जानकारी आ रही। तो आइए इस पर एक बार हम लोग फोकस करते हैं। इसमें लिखा है कि यहां पर निदेशालय बाल विकास सेवा पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 499 जो 18/9/21 के द्वारा निकला था, आंगनबाड़ी सेविकाओं से संबंधित शासकीय कार्य संपादित किए जाने के लिए उनको 200 रुपया प्रतिमाह की दर से माह अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए डाटा प्लान की धनराशि आवंटित की गई है। अब यहां पर एक बात आपको बताना चाहेंगे, अप्रैल से सितंबर तक का तो उसमें जिक्र हो गया, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जो एक फरवरी चल रहा है इन महीनों का क्या होगा, या फिर मान लो अप्रैल से पहले के जो महीने थे उनका भी पैसा बहनों को नहीं मिला है तो उन पैसों का क्या होगा, क्योंकि सरकार तो बहुत पहले से पोस्टर ट्रैकर जैसे काम या अन्य काम ICDS कैश एप्लीकेशन इन पर काम करवा रही है और रिचार्ज का पैसा जा रहा है। विभागीय कामों के लिए भी रिचार्ज जो है होना जरूरी होता है वरना अधिकारी परेशान करते हैं। तो इस तरह से बाकी महीनों के पैसों के बारे में सरकार क्या कहना चाहती है वो भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और उन पैसों को भी भेजना चाहिए। इधर आपको बता दें लिखा गया यहां पर दो तीन जो है कुछ बिंदु दिए हैं। पहला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा डाटा प्लान के प्रतिपूर्ति के लिए बिल की स्वप्रमाणित प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा धनराशि के संकलित विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को पोस्टल ट्रैकर ऐप पर फीडिंग की स्थिति से अवगत कराते हुए भुगतान हेतु संतुति की जाएगी। साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी की संतुति के आधार पर डाटा प्लान की धनराशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय में प्रेषित किए जाने वाले बैंक खाते में निर्गत की जाएगी। साथ ही लिखा है कि उपरोक्त कार्रवाई से अधो हस्ताक्षरी को अवगत नहीं कराया गया है, आपको निर्देशित किया जाता है कि 28 फरवरी तक प्रत्येक दशा में बिलों की स्वप्रमाणित प्रति, खाता संख्या, कार्यकर्ती का नाम, केंद्र का नाम, इसकी सूची उपलब्ध कराओ जिससे कि भुगतान की कार्रवाई की जा सके। तो डीपीओ जो बरेली के हैं वो कह रहे हैं सीडीपीओ लोगों से कि आपको इसके बारे में पहले भी कहा गया था इस काम के लिए लेकिन आप सबने इस पर कोई काम नहीं किया है और कोई भी सूचना आगे नहीं भेजी, बहनों के जो बिल वाउचर है उनको नहीं भेजा है जिससे कार्यकर्तियों का यहां पर जो 200 रुपया रिचार्ज का पैसा है वो भेजने में दिक्कत आ रही है, तो जल्द से जल्द उसको कराओ ताकि उनका पैसा रिचार्ज का भेजा जाए। तो इस संबंध में जो लापरवाही है वो आपके विभाग जो जिलों में अधिकारी हैं सीडीपीओ या सुपरवाइजर स्तर से ही बढ़ती जा रही हैं और बहनों के जो बिल वाउचर हैं उनको शायद डीपीओ तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, अगर वहां तक पहुंचते तो फिर वो उन चीजों को लेकर के आगे मानदेव कर कार्रवाई करते। सुनीता देवी बहन आती है बरेली से, उन्होंने इस जानकारी को भेजा था, बहन को भी धन्यवाद। और अब आपको बताना चाहेंगे पुष्पा बहन आती है देवरिया से, यहां पर आमंत्रण पत्र एक है जिसमें लिखा है भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, मतदाता तुम्हें बुलाने को 3 मार्च को भूल न जाना वोट डालने आने को। इस तरह से कुछ जो है यहां पर ये आपको मतदाता को लेकर के ये स्लोगन चल रहे हैं जिसमें आपको बता दें 3 मार्च को बृहस्पतिवार के दिन यहां पर मतदान होना है और ये टाइम 7 बजे से लिखा गया है 6 बजे शाम तक। तो फिलहाल के लिए ये देवरिया से बहन आती है, उन्होंने जानकारी भेजी है। और इनके अलावा मंजू यादव बहन आती है एटा से और एटा में अखबार में देखो ये छपा होगा, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करेंगे अखिलेश यादव। ये बलरामपुर में खबर छपी थी कि डबल इंजन सरकार की, इस चुनाव में जनता पार्टी जो है पटरी ही उखाड़ देगी, बाढ़ से ज्यादा लोग जो है यहां पर छुट्टा सांड से परेशान है, प्रदेश में बसपा व कांग्रेस का जो है खाता तक नहीं खुलेगा, भाजपा से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। और नगर के जो है नगर के बड़ा परेड ग्राउंड में शनिवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्होंने ये बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि केंद्र और प्रदेश ने केवल समाज में नफरत पैदा करने का काम किया है, जो हमारी यहां पर गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं इस समय उनके घर में खुद धुआं निकल रहा है। संविदा व आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करेंगे, शिक्षा मित्रों को भाजपा सरकार ने धोखा दिया है, हमारी सरकार बनी तो शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, सरकार बनी तो 22 लाख नौजवानों को IT सेक्टर में रोजगार दिया जाएगा, ऐसा उनका अपना कहना है चुनाव के दौरान। बाकी फ्यूचर में क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता, जो भी चीजें इस समय है वो आप देख रहे हो और इन बहन
बहन ने जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है मंजू यादव जो एटा से है उन्होंने जानकारी को भेजा है। खैर मैंने आप लोगों को बहुत पहले से कहा है कि आप सब अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसको आपका दिल करे आप उसको वोट दो। वोट के लिए कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप किसको दो किसको ना दो, ये आपके सूझबूझ से होना चाहिए, क्योंकि वोट यानी मताधिकार आपका अधिकार है और उसको किसको देना है वो आप डिसाइड करो। इधर बात करते हैं, मंजू यादव बहन ने जानकारी भेजी थी और इनके अलावा यहां पर शांति देवी बहन आती है टीकमगढ़ से, दरअसल हरिशंकर जड़िया भाई है, उन्होंने जानकारी भेजी है। भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश की तरफ से विराट धरना प्रदर्शन 7 मार्च को होने वाला है, तो एक ये जन आंदोलन है, अपील की जा रही है समस्त सम्मानी बंधु एवं भगिनी वगैरह को। सादर नमस्कार, भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर 7 मार्च 2022 को प्रातः 10 बजे प्रदेश के असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के लाखों मेहनत कश मजदूर श्रमिक कर्मचारी बंधु और भगिनियों की जायज मांगों के निराकरण के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके आंदोलन के सहभागी बने। तो यहां पर इस तरह से, तो देखो मजदूर यूनियन का यह धरना है, यह कोई स्पेशल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों आपका नहीं है। और यहां पर एक बात हमेशा याद रखना, भीड़ आपकी पहचान छीन लेती है। अगर आपको चलना है तो अकेले चलो, अगर आप भीड़ का हिस्सा बनती हो तो आपको भीड़ ताकत तो भले ही थोड़े समय के लिए देती हो, लेकिन वो भीड़ आपकी पहचान में फिर दोहरा रहा हूं छीन लेती है। तो आपको इस बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। इधर बात करते हैं, देखो आपने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में कैसे जो है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन का अलग संगठन है और आप देख रहे हो पूरी की पूरी बहने उस यूनियन के साथ जुड़ी है और कितना बेहतर तरीके से वहां पर धरने को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ ही समय की देरी है और देख लेना बहनों का कुछ ना कुछ भला जरूर होगा, उनकी जंग तो ऑलरेडी बहनें जीती बैठी हैं क्योंकि उनकी हिम्मत ही बुलंद पर है। इधर बात करते हैं, आपको बता दें तो ये यहां पर कुछ निर्णय लिए गए 7 मार्च को लेकर के और देखते हैं वहां पर क्या होगा। खैर हरिशंकर जड़िया भाई ने जानकारी भेजी तो भाई को धन्यवाद। और इनके अलावा पूनम त्यागी बहन आती है अमरोहा से, उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक बहन आती है आयशा खातून जो आजमगढ़ से आती है, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और साथ ही ये बहन है मिथिला सिंह जो हरदोई से आती है, हरदोई में काफी जगह जो है वही एक दिवसीय वाले प्रशिक्षण टाइप के वो कराए जा रहे हैं सीसी वाले। इधर सुरेखा देवी बहन आती है अयोध्या से, उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये है बलेश गौतम जो सहारनपुर से आती है, यहां पर भी प्रशिक्षण चल रहा है। और लास्ट में आपको बता दे नजमा खातून बहन आती हैं सीतामढ़ी से, और उनके वहां से भी एक ये फोटो निकल के आ रही है। तो आज शाम के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, सुबह के वीडियो में भाइयों बहनों आपको फिर मिलेंगे। एक बार कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको ऑल इंडिया की खबरें कैसी लगती हैं। यूट्यूब पर तो बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ऑल इंडिया में आपको क्या अच्छा लगता है वो आप कमेंट करके बताना।